डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आखिर कब जाकर इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगेगी? शहर में रिश्वत लेने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों के दरमियान शहर में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जिसमें बाबू लेखपाल आदि रिश्वत लेते पाए गए हैं। इन सब के बाद आज बिजली घर पर तैनात जई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मामला मेरठ के मवाना कस्बे के सठला इलाके का है, जहां एंटी करप्शन की टीम की छापेमारी के दौरान विद्युत विभाग के जई 16,000 रुपए की रिश्वत लेते पाया गया। ये रिश्वत सठला बिजली घर पर तैनात जई तोयज त्रिपाठी एक किसान से ले रहा था, जिसे एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल रिश्वतखोर तोयज त्रिपाठी को थाना ले जाया गया, जहां पूछताछ का सिलसिला जारी है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।